समाचार आप देख रहे हैं 24India.News। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को दी है एक बड़ी सौगात। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला, अब Amazon, Flipkart और Snapdeal जैसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों का सामान बिना उनके मंजूरी के अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसा करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने अंतिम निर्देश डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों की याचिकाओं पर ये अहम फैसला सुनाया है। अब जरा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार इतने बड़े फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है। दरअसल इन कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उनकी ब्रांडों के उत्पादों को ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सस्ती दरों पर बेच रही है, जिससे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनके प्रोडक्ट यानी उनके उत्पाद के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी भी की जा रही थी। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे सामानों की कीमतों में हमेशा से उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है, जिससे ग्राहकों को सस्ते दामों पर लुभान्वित ऑफर मिलते आए हैं, जिसके कारण ग्राहक उन उत्पादों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं लेते थे और धोखा खाते थे। उन्हें असली और नकली उत्पादकों के विषय में पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्राहकों की भी मुश्किलें कम हुई हैं। साथ ही अदालत ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि एमवे, ओरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उत्पादकों को बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इजाजत लेनी होगी। बिना इन कंपनियों के इजाजत के उनके प्रोडक्ट को बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से एमवे, ओरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी कंपनियों का नाम, लोगो और प्रोडक्ट की तस्वीरों का गलत उपयोग किया जा रहा था, वो सरासर गलत था। साथ ही एक्सपायरी डेट वाली दवाई, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों पर नए लेबल लगाकर धड़ल्ले से ग्राहकों को कम दामों पर बेचा जा रहा था। इससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था और उनके स्वास्थ्य के साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा था। हाई कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है। उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद ही मिलेगा, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता और व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने कहा है कि यदि इन बदलावों को ईमानदारी से निभाया जाए तो इस तरह के उत्पादकों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी और कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम तथा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट आदि इतिहास की चीजें हो जाएंगी। दोस्तों, कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है, लेकिन हम ग्राहकों को सचेत करना चाहते हैं, चंद पैसों की लालच और लुभान्वित ऑफर से आप लोग प्रभावित ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अनमोल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद रखिए, जो चीजें आसानी और कम दाम पर मिल जाती हैं, वो कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं तो उस कंपनी और उस कंपनी के उत्पाद के विषय में पूरी पूरी जानकारी ले ले, तब जाके उसे खरीदे। साथ ही हम ई कॉमर्स कंपनियों से भी गुजारिश करते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने से पहले उन कंपनियों से इजाजत जरूर ले ले और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान बेचे। याद रखे, ग्राहकों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना खुद को धोखा देना है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24India.News। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।